काजल हिंदुस्तानी की ओर से भारत माता की जय वंदे मातरम। मुझे बहुत से मोदी समर्थक ये कहते हैं कि मोदी जी चुप क्यों बैठते हैं, ये महागठबंधन के अगेंस्ट कभी कुछ क्यों नहीं बोलते, और देश में जो मोदी जी के खिलाफ ये सारी ताकतें एक हो रही है, अब उन्हीं ताकतों ने विदेशी महागठबंधन भी बना दिया है कि आप देखो कि किसान बिल पर देश में तो ये सारे महागठबंधन वाले इकट्ठे हो गए थे मोदी जी के खिलाफ, अब उन्होंने विदेशी ताकतों को भी इसमें जोड़ दिया है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ ये समझने की कि मोदी जी ने 6 वर्षों में इनकी क्या बैंड बजाई है कि ये देश में तो ठीक है, विदेश में भी ये लोग तिलमिला रहे हैं और वहां की विदेशी ताकतों को मोदी जी के अगेंस्ट एकत्रित कर रहे हैं। और आपको याद होगा, मैं आपको एक रिकॉल करवाती हूँ, आपने कृष्ण और जरासंध की कहानी सुनी है कि कृष्ण भगवान ने जब कंस को मार दिया था तो कंस का जो ससुर था जरासंध वो तिलमिला गया था और वो कृष्ण और बलराम को मारना चाहता था। तो जरासंध ने क्या किया, कृष्ण के जितने भी दुश्मन थे उनके साथ महागठबंधन किया, लीड जरासंध ने किया और उन सबको एक छत के नीचे एकत्रित किया और 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। कृष्ण भगवान ने हर बार अपने सभी दुश्मनों को मारा पर जरासंध को छोड़ दिया। इस पे बलराम कहता है कृष्ण से कि हे प्रभु, आप क्यों हर बार जरासंध को छोड़ देते हो और बाकी दुश्मनों को मार देते हो? तो कृष्ण भगवान ने इतना क्लासिक रिप्लाई किया कि अगर मैं जरासंध को मार दूंगा तो मेरे सारे दुश्मन एक छत के नीचे एकत्रित कैसे होंगे और उनके चेहरे, उनके मुखौटे खुलेंगे कैसे कि मेरा दुश्मन कौन कौन है? अगर मैं जरासंध को मारता हूँ तो मुझे अपने सभी दुश्मनों से अलग अलग लड़ना पड़ेगा, उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जबकि जरासंध मेरी मदद कर रहा है उन सबको एक साथ एकत्रित कर महागठबंधन बनाकर, और इस वजह से मैं बाकी सबको मारता हूँ और जरासंध को छोड़ देता हूँ ताकि मेरे जो दुश्मन है उनके मुखौटे खुले और वो मेरे सामने आए और मुझे पता चले कि कौन कौन है मेरे खिलाफ। तो मोदी जी भी बस वही कर रहे हैं। भरोसा रखिए कृष्ण और बलराम की इस जोड़ी पर, नरेंद्र भाई मोदी पर और अमित शाह पर। जय हिंद।